हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्यूचर विद आशुतोष पे। वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जाइएगा मेरे चैनल, जहाँ पे आप वीडियो देखते हैं उसी के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का है, तो उसे टच करेंगे आप सब्सक्राइब होगा, उसके बाद बेल आइकन इसके बगल दबाइएगा। एक बार सब्सक्राइब करिएगा, दोबारा नहीं, बार बार करेंगे। मुझे देखा हूँ कई लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं और बाद में फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो आज स्टार्ट करने चल रहा हूँ बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा, इसके पहले बताऊंगा कि बायोलॉजी साइंस का कैसा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी व्हाइट बोर्ड पे। बायोलॉजी साइंस का पार्ट है। साइंस को तीन रूपों में अध्ययन किया जाता है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। पहले बात करते हैं इनके फादर कौन है, पिता कौन है। तो फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं न्यूटन को, न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। आइंस्टीन, गैलीलियो को भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से न्यूटन को ही फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अगर ऑप्शन न्यूटन ना रहे तब गैलीलियो या आइंस्टीन को लगाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में न्यूटन है तो न्यूटन को लगाना है यूपीएससी में। और केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं लैबोसियर, लैबोसियर। और जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, जैसे मैंने बताया। और बायोलॉजी शब्द का उपयोग 1802 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे लैमार्क ने 1802 में पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। मूलतः बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। यहां पर मैं लिखा हूं, देखिएगा, बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अब बात आती है जीवन क्या चीज है, व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है, लाइफ जीव द्रव्य मैटर यानी द्रव्य और पदार्थ, द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली एक रासायनिक क्रिया है। पदार्थ द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली एक रासायनिक क्रिया है, और ये क्रिया के लक्षण यानी जीवन के 10 लक्षण होते हैं। 10 लक्षण यहां पे मैंने लिखा है, 10 के 10 लक्षण। चलिए एक एक करके बात करेंगे। जीवन का पहला लक्षण होना चाहिए कि शरीर कोशिकाओं से बनी होनी चाहिए, यानी उसकी संरचना में सेल्स होने चाहिए। कोशिका क्या चीज होती है, कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, इकाई मान लीजिए। बात करेंगे अगला दो वीडियो बाद, बायो की दो वीडियो बाद कोशिका ही रहेगी, चिंता मत करिए। दूसरा उपापचयी अभिक्रिया यानी खाने को पचाने की क्षमता होनी चाहिए, और वृद्धि और विकास होना चाहिए। वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, वृद्धि। आदमी छोटा, बच्चा छोटे से बड़ा होता है। विकास, वह सामाजिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है। विकास और वृद्धि अलग अलग चीजें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट अ सेम थिंग। गति, इसमें गति और गमन होना चाहिए, गति और गमन यानी मोशन एंड लोकोमोशन। हम लोकोमोशन करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, यानी हम स्थान छोड़ के गति करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कैसे गति करते हैं, एक स्थान पे हिलते हैं, अपनी टहनियों को घुमाते हैं, इसको कहते हैं गति, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और पांचवा होना चाहिए उनके, पोषण होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। पोषण बताने की जरूरत तो है नहीं। उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब अवशिष्ट पदार्थों को वो अपने शरीर से बाहर निकाले। आप सोच रहे होंगे कि जीव तो निकालता है, जंतु तो निकालता है, लेकिन क्या पादप भी निकालते हैं? अच्छा, ये जानते हैं कि नहीं, पादप जो होता है वो भी जीव है। पादप निकालते हैं, कैसे उत्सर्जन करते हैं, तो आपको बता दें, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं और अवशिष्ट जो स्त्रव हो जाता है उनमें जल, उनको उत्सर्जन यानी वेपर के माध्यम से अपने रंध्रों से निकाल के बाहर करती हैं, इसी को पत्तियों द्वारा उत्सर्जन कहते हैं। एक तरह से पत्तियां भोजन बनाने का घर भी है, उनका रसोई घर भी है और उत्सर्जन तंत्र भी है। नेक्स्ट है, इनमें अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, एडाप्टेशन होना चाहिए किसी भी माहौल को एडजस्ट करने का। जैसे पहाड़ पे गए, कुछ दिन बीमार होंगे लेकिन उसके बाद अनुकूल हो जाएंगे। और आप सोचे हुए अनुकूलन क्षमता, जैसे पहाड़ी एरिया के कुछ पौधे ले आइए यहाँ पे लगाइए, तो नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी अनुकूलनशीलता पहाड़ी एरिया का है। ये बातें मैं अनुकूलनशीलता नष्ट होगा जब तो मैं बताऊंगा। प्रतिक्रिया, उनमें प्रतिक्रिया होना चाहिए, जैसे आपको कोई थप्पड़ मार दे
तो क्या करेंगे, गांधी जी तो है नहीं, दो तीन थप्पड़ आप ही मार देंगे। यही है प्रतिक्रिया। वैसे पौधों में हर पौधों में तो पूरी तरह नहीं दिखता, लेकिन आप छुई मुई का पौधा ले लीजिए, उसको जैसे टच करेंगे आप वैसे वो मुरझा जाएगा, वैसे ही वो प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, सांस अंदर ले और बाहर निकाले। श्वसन क्या होता है, आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आवश्यक गैसों की प्राप्ति करना ही श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। श्वसन होना चाहिए। जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और सामान्यतः सभी पौधे कुछ को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये एक प्रक्रम बना हुआ है जंतु और पादप के बीच में, ऐसे ही प्रकृति चलती है। उनमें प्रजननशीलता होनी चाहिए, यानी रिप्रोडक्टिव होनी चाहिए, अर्थात अपने जैसे संतानों को पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए, अपने जैसे संतानों को पैदा, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए उनमें क्षमता होनी चाहिए। यही 10 लक्षण होंगे, नहीं होंगे तो वो जीव नहीं कहलाएंगे, उसमें जीवन नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट की भरमार लगा दीजिए, और सबको बताइए, सबके पास शेयर करिए।